Hi students, how are you? Today we learn words and letter in English grammar. What is a word? Yani shabd. Shabd kya hai? Answer: a group of letters that makes a complete sense is called word. ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम लोग वर्ड कहते हैं. एग्जाम्पल्स: राम, बुक, मार्केट, इटीसी. यहाँ राम एक पर्सन्स नेम है, बुक यानी किताब, मार्केट यानी बाजार. यह इसका एक अर्थ है इसलिए यह क्या है, वर्ड है. अगर मैं केवल आर ए लिख कर छोड़ देती, बी डबल ओ लिख कर छोड़ देती, एम ए आर लिख कर छोड़ देती तो यह वर्ड नहीं कहलाता, क्योंकि यह ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है. हम लोग वर्ड से पहले लेटर्स के बारे में पढ़ जानेंगे. व्हाट इज लेटर्स? ए टू जेड या अल्फाबेट को हम लोग लेटर कहते हैं. दे आर टू टाइप्स, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स. एस डब्ल्यू, रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक ए मीनिंगफुल वर्ड. यहाँ कुछ लेटर दिए गए हैं जो कि अनसिक्वेंस है, इसको सिक्वेंस बनाना है और इसका कोई अर्थ भी निकले, इसका कोई मीनिंगफुल अर्थ भी हो. जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए डब्लू टी आर ई, ये क्या है, अनसिक्वेंस है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है. इसको क्या करना है, रीअरेंज कर सिक्वेंस बनाना है और इसका एक मीनिंगफुल अर्थ होना चाहिए. जैसे डब्लू ए टी ई आर क्या हो गया, वाटर. वाटर मीन्स क्या होता है, पानी. इस तरह एच डब्ल्यू दिया गया है, इसे आप लिखे कॉपी में एंड बनावे इसको. थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम एंड बी